रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की मौत के राज से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। आरोप है कि विनय की टीचर ने ही अपने बेटे के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और अपने प्लान को ऐसे अंजाम दिया कि सुनने वाला दंग रह जाए। बताया जा रहा है कि अपनी बेटी से विनय की दोस्ती पर ये लेडी टीचर इस कदर आग बबूला हो गई कि बेरहमी की सारी सीमाएं पार कर दी। सीसीटीवी की ये तस्वीरें रांची के उस लड़के की है जो रात करीब 1 बजे अपने स्कूल के हॉस्टल से निकला और महज 24 मिनट बाद ही उसकी लाश मिली थी। 4 फरवरी को 12 साल के विनय महतो की रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल में हत्या हुई और 6 दिन के अंदर पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई। पुलिस ने जब विनय महतो की हत्या की वजह और हत्यारों का खुलासा किया तो हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं विनय के हत्यारे, नाम है नाजिया हुसैन और आरिफ अंसारी। आप जानकर सन्न रह जाएंगे कि नाजिया हुसैन कोई और नहीं बल्कि विनय की टीचर है और आरिफ उसका पति। इन दोनों ने अपने बेटे के साथ मिलकर विनय की हत्या की साजिश रची थी। वजह थी टीचर नाजिया की बेटी के साथ विनय की दोस्ती। इस कांड का मुख्य कारण है शिक्षिका नाजिया हुसैन के पुत्र जो है वो छात्र विनय को लेकर गहन द्वेष भावना इस वजह से रखते थे क्योंकि शिक्षिका नाजिया हुसैन की पुत्री के प्रति जो विनय था उसका आकर्षण था। इस बात से उनका जो पुत्र था वो काफी नाराज और परेशान था। पुलिस के मुताबिक टीचर नाजिया हुसैन और उसका बेटा विनय से बदला लेना चाहते थे, लिहाजा इसके लिए साजिश रची गई। विनय के साथ 7वीं में पढ़ने वाले टीचर नाजिया के बेटे ने 4 फरवरी की रात विनय को यह कहकर बुलाया कि उसकी मां ने विनय के लिए कुछ खास बनाया है और वो फौरन घर आ जाए। टीचर नाजिया के बेटे के बुलावे पर विनय हॉस्टल से निकल गया। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। आप देख सकते हैं कि विनय मस्ती में जा रहा है, इस बात से बेपरवाह कि मौत उसका इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक विनय जब टीचर के घर पहुंचा तो नाजिया के बेटे ने उसे अपनी बहन से बातचीत बंद करने और दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन जब विनय ने विरोध किया तो वो उसकी जान के प्यासे बन गए। विनय को लेकर डाइनिंग स्पेस में गया जहां पर उसने इस बात की चर्चा शुरू की कि मेरी बहन से क्यों मिलते हो, आपत्ति जताई और धमकी भी दी, अगर आगे से तुम मिलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। विनय ने इसका विरोध किया तथा बोला कि मैं इसकी बहन को आपकी बहन को पसंद करता हूँ। उक्त मामले को लेकर शिक्षिका नाजिया हुसैन के पुत्र बहुत ही आक्रोशित हो गए एवं विनय का मुंह दबाकर उसके पेट में पंच से मारना शुरू कर दिया। रांची पुलिस के मुताबिक पहले इन लोगों ने विनय को बुरी तरह से पीटा, पीट पीट कर उसे बेहोश कर दिया। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि विनय का लीवर फट गया, विनय के 2 दांत टूट गए थे, उसकी 1 आंख भी बाहर निकल आई, विनय महतो का जबड़ा भी टूट गया था। पुलिस के मुताबिक नाजिया और उसके घरवाली ये समझ रहे थे कि विनय दम तोड़ चुका है, लेकिन वो जिंदा था। सभी विनय को मरा समझकर उसे ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो चुपचाप टीचर हॉस्टल की पहली मंजिल पर ले जाकर उसे इस जगह से नीचे फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सुराग को तलाशते हुए आखिरकार पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया है, लेकिन विनय महतो के घर वाले हत्या की वजह पर भरोसा करने को कतई तैयार नहीं। देखिए, एक केस एक चीज नहीं है, समझ गए ना, इसको घुमा दे रहा है, एक केस को घुमा दे रहा है, ये चीज को हम मानने को तैयार नहीं है। आपके अनुसार क्या है मामला? हमारा बेटा को मारा गया है, जो भी मारा है लेकिन मारा गया है, मेरा बच्चा को मारा गया है, टीचर शिक्षक सभी मिल के मेरा बच्चा को मार के अभी बोलता है कि सीढ़ी से गिरा है, प्रेम प्रसंग है, 12 साल का बच्चा प्रेम प्रसंग करेगा, आप लोग मानते हैं बात को? विनय के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि टीचर नाजिया की बेटी के साथ विनय की दोस्ती ही उसकी हत्या की वजह है। इनका दावा है कि मामला कुछ और है, तो वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस का दावा है कि हत्या की वजह दोस्ती ही है और हत्यारे खुद इस बात को पुलिस के सामने न सिर्फ कबूल कर चुके हैं बल्कि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि टीचर और उसका परिवार ही विनय का हत्यारा है। आकाश कुमार, इंडिया टीवी, रांची।